आगरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने समूची चिकित्सा प्रणाली को नैतिकता के दायरे में लाने के लिए कमर कस ली है, ताकि डॉक्टर और मरीज के बीच बढ़ते हुए विवादों, अस्पतालों में बढ़ती तोड़फोड़ की घटनाओं तथा डॉक्टर और मरीज के बीच घटते विश्वास को रोका जा सके। इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए सोमवार शाम तोता का ताल स्थित आईएमए भवन पर आईएमए की मेडिकल एथिक्स एवं एथलेटिक एटिकेट्स कमेटी द्वारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में आईएमए की रिपोर्ट जारी की गई। एथिकल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर वीके खंडेलवाल, सदस्य डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता और डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ के साथ आईएमए आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर ओपी यादव, सचिव डॉक्टर पंकज नगायच, कोषाध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन, मुकेश गोयल, दीपक अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद यादव ने कोड ऑफ कंडक्ट की रिपोर्ट का विमोचन किया। पहले थे कि वो पाएंगे सर, जो आपके समय में थे। क्यों नहीं होंगे, समय के साथ सब कुछ होता है। बीच में खराब समय आया, फिर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे, किन चीज़ों की वजह से ये मतभेद पैदा हुआ है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो डॉक्टर के पार्ट पर ठीक करनी है उनसे शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम आईएमए डॉक्टर्स का संगठन है। जनता जो सही मायने में जो इलाज करा रही है वो तो बहुत इंडिविजुअल तरीके से आती है, कभी कभी किसी मोहल्ले से कोई एक मरीज आएगा, लेकिन डॉक्टर्स आपस में बैठकर यह बात तय करें कि हम लोगों की कहाँ गलती हो रही है। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब ये है कि हम लोग अपने पार्ट पर सुधार शुरू करें, जिसके कारण मान लीजिए अविश्वास पैदा हो रहा है, कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत महंगी दिखाई देती हैं, उनको सही तरीके से जैसा डॉक्टर अरुण ने बताया एक्सप्लेन भी करें कौन सी चीज़ में कैसे कैसे कितने कितने बड़े खर्चे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।